गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। 9th क्लास में आप लोगों ने किस टाइप से एक कार्टेशियन प्लेन बनाया था, याद है आप लोगों को? जिसमें दो लाइनें होती हैं, टू लाइन्स हियर। एक लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलते हो और एक को वाई एक्सिस। ये आपके फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है? ठीक है ना? तो ये फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं ना आप लोगों के, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स की तरफ प्लस रिप्रेजेंट होता है और ये एक्स का माइनस होता है। ये पूरा एक्स एक्सिस है और ये पूरा वाई एक्सिस है। ये तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा ही, कोई इतना डीप में नहीं है, निर्म फॉर्मल सा है। लेसन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद लेसन नंबर 2 1 से छोटा है, जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स भी कम्प्लीट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए लेसन नंबर 1 में जो है ना, केवल लेसन नंबर 2 में जो है ओनली 3 एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड एक्सरसाइज के 2 वीडियो बनेंगे और थर्ड एक्सरसाइज के 2 या 3 वीडियो, यानी 5 वीडियो में लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1। हम एग्जाम्पल भी कवर करेंगे, पहले ही बता चुका हूँ, हमने पिछले लेसन में भी सारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल कवरअप किए थे, इस लेसन में भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट द ग्राफ। इन ग्राफों को देखना है, बनाना नहीं है, आपको बना के दिए हैं। इन फिगर 2.9, ये 2.9 फिगर है, इसमें आपको ये ग्राफ बना कर दिए हैं। ईच इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स। ये जो ग्राफ है ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ एक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर बनाकर दिखाया गया है। वेयर इज पी एस इज अ पॉलिनोमियल। देखो पी एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है, जितने भी जो आपको ग्राफ बना के दिए हुए हैं ये सब पी एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है? ये जो आपको आड़ी टेढ़ी लाइनें दिख रही है आपके कार्टेशियन प्लेन पर, देखिए ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये एक पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ बना के दिया हुआ है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। तो आपको पी एक्स के जीरोस बताना है, पी एक्स के जीरोस यानी एक्स एक्सिस के जीरोस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ पर जो आपको आड़ी तिरछी लाइनें दिख रही है, रियलिटी ये है कि आड़ी तिरछी लाइनें एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है? यानी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया। आपने देखा होगा पिछले साल 9th क्लास में आप लोगों ने एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू, उसको आपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही एक ग्राफ बना के आपको दिया है। आपको सिर्फ ये शो आउट करना है, फॉर ईच ग्राफ, हर ग्राफ में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, कि यहाँ पी एक्स के यानी एक्स एक्सिस के एक कितने जीरोज़ होंगे। जीरोज मीन्स आपको जीरोज के बारे में बताना पड़ेगा। आप भाई जीरोज मतलब उस पॉलिनोमियल की जो एक्स की वैल्यू होती है उसकी बात होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन को ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पहला ग्राफ देखें, इस पहले ग्राफ में ये जो पॉलिनोमियल की लाइन है ये एक्स एक्सिस को, यानी ये इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 1 टाइम। तो बस आपका आंसर आ गया। देखिए द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज एज द ग्राफ, ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ये जो आपका ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई को नहीं, एक्स को, तो जीरोस 1 हो जाएगा। अब सेकंड में देखिए, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है ग्राफ में कन्वर्ट करके, मतलब ये जो ग्राफ आपको दिया है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ 1 टाइम और यहाँ 2 टाइम, तो जीरोस कितने होंगे एक एक्सिस के, 2। यानी आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने पी एक्स के जीरोज होंगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा, द नंबर्स ऑफ जीरोस इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। बस सिंपल, मजा आ रहा है, ठीक है? थर्ड देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका पॉलिनोमियल है जो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया है। अब बताइए ये ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। दिखा एक्स एक्सिस को, भैया वाई को नहीं, ये एक एक्सिस है,
आपको जीरोज ऑफ पी एक्स बताना है ना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, पी एक्स के जीरोज बताना है ना, एक्स एक्सिस के जीरो बताना है, और एक्स एक्सिस के जीरो बताने के लिए ग्राफ एक्स को कितनी बार कट कर रहा है बस वो देखिए। द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3.123, देन द जीरोज ऑफ एक्स एक्सिस इज 3। देखिए नंबर ऑफ जीरोज इज 3। वाई वाई? बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। उसी प्रकार से फोर्थ पे देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम। तो एक्स एक्सिस के जीरो कितने होंगे, 1, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम। तो जीरोज ऑफ पी एक्स इज 1, एक्स एक्सिस के 0 1 होंगे बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी 1 पॉइंट। यहाँ देखिए 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 देखिए, ये ग्राफ एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और फिर यहाँ 4 टाइम। तो क्या आंसर आएगा, जीरोज ऑफ एक्स एक्सिस इज 4। देखिए सब सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। इसके जस्ट बाद में हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल नंबर 1 के बाद सीधे एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट है। और आप देख सकते हैं आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.1 में केवल केवल और केवल ये आपको 4 ग्राफ्स दिए गए हैं। पढ़ो, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन। आपको वाई इज इक्वल टू पी एक्स का एक ग्राफ दिया है पॉलिनोमियल के रूप में। सम पॉलिनोमियल इज पी एक्स, जिसमें पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। सेम क्वेश्चन है भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसमें एक पॉलिनोमियल को पी एक्स मानकर उसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया है। आपको बताना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, मीन्स आपको बताना है नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, पी एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस के जीरोज। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, नो। देन जीरोज ऑफ पी एक्स इज 0, मतलब पी एक्स के यहाँ कोई 0 नहीं होंगे बिकॉज द ग्राफ नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इफ इन एनी पॉइंट। आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये ग्राफ है ना, तो जीरोज ऑफ एक्स एक्सिस इज नहीं, मतलब एक्स एक्सिस के 0 नहीं होंगे। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम। तो आप क्या लिखोगे, देखिए ना 1 टाइम ही है ना, तो आप क्या लिखोगे, ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, देन जीरोज ऑफ एक्स एक्सिस इज 1। यहाँ ये देखिए, ये पॉलिनोमियल वाला ग्राफ है, और ये एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के 0 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, देन द जीरोज ऑफ एक्स एक्सिस इज 3। यहाँ बता दीजिए ओरली, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये पॉलिनोमियल है पी एक्स का ग्राफ है। ये पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 टाइम। तो आप क्या लिखेंगे, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट या एट 2 पॉइंट, देयर फोर जीरोज ऑफ एक्स एक्सिस इज 2। यहाँ देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम कट कर रहा है। ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 टाइम्स, देन जीरोज ऑफ एक्स एक्सिस इज 4। फिर यहाँ देखिए, ये जो आपका गिवन ग्राफ है, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम है, आप बुक में देख सकते हो, ये 1 टाइम, फिर यहाँ 2 टाइम, फिर यहाँ 3 टाइम, 3 टाइम कट कर रहा है। अगर आप इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, देन द जीरोज ऑफ एक्स एक्सिस इज 3। ओके, ये आपकी 2.1 खत्म होगी विथ एग्जाम्पल।